नमस्कार, मैं हूँ सलामत अली और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रदीप शर्मा। और आज हम दोनों जो है निकले हुए हैं मुंबई स्थित अंधेरी इलाके में, जहाँ पर लोगों को पिछले 3 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, उसका जायज़ा लेने के लिए निकले हुए हैं। प्रदीप भी मेरे साथ है। प्रदीप, क्या कहेंगे, पिछले 3 दिन से लोगों को परेशानी हो रही है पानी की? देखिए सलामत जी, सबसे पहले तो जिस तरह से 3 दिन से पूरे अंधेरी इलाके में पानी नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं, क्योंकि पीने के पानी की भी किल्लत है, नहाने की पानी की तो बात छोड़ दीजिए। और जिस तरह से मेट्रो परियोजना का कार्य चल रहा था और उसी दौरान पाइपलाइन फूट जाने की वजह से बताया जा रहा है कि ये पानी नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आए दिन देखने को मिलती हैं। अगर बात करें तो अंधेरी जैसे इलाके में 3 दिन से पानी ना आना काफ़ी गंभीर मसला है, क्योंकि लोग 3 दिन से पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ तक लोग लाइनें लगा रहे हैं, टैंकरों से पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की जो पानी की आपूर्ति है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये है कि पानी कब आएगा। हालांकि बीएमसी प्रशासन का कहना है कि हम काम कर रहे हैं, दुरुस्तीकरण काम जारी है, लेकिन दुरुस्ती कब तक होगी ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में है। सलामत, बिल्कुल, दुरुस्ती कब होगी ये सवाल लोगों के जहन में, और हम लोगों के बीच जाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनको कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ नगर सेविका सुधा सिंह जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? पानी की दिक्कत लोगों को हो रही है पिछले 3 दिनों से, किस तरह से कार्य किया जा रहा है लोगों को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए? नहीं, पानी की 3 दिन से है, बहुत परेशानी हो रही है, पर बीएमसी जो प्रशासन काफ़ी वो भी लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी सालों से, अभी जब से हम लोग 2017 के बाद से हम लोग यही उनसे हमेशा कहते हैं, जहाँ भी वो रोड का काम हो या MMRDA का हो, मेट्रो का हो या अदानी, कोई भी एक दूसरे से अगर कोऑर्डिनेट करके काम करें तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और ये तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो 3 दिन से अंधेरी हो या जोगेश्वरी हो, पब्लिक बहुत फेस कर रही है, हम लोग खुद फेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर टैंकर की बात करें तो टैंकर होते हैं ना कि भाई आज ये हमारी चांदी है, तो अभी एक लोग हम एक टैंकर को 6,000-7,000 रुपये कहाँ से देके, कहाँ से मंगाएंगे पानी हम? और वो भी गारंटी नहीं कि वो पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं, बॉडी का पानी लाके दे रहे हैं कि बीएमसी का है, वो भी कोई गारंटी नहीं। और 6,000 माने रखता है, एक नॉर्मल आदमी या सोसाइटी नहीं दे सकती है 6,000 रुपये। तो जहाँ तक है प्रशासन, बीएमसी प्रशासन को यही करना चाहिए, अगर क्योंकि ये बड़े काम होते हैं, वो चाहे रोड का हो, माडा हो, मेट्रो का हो, अगर एक दूसरे से सभी ऑफिसर कोऑर्डिनेट करें, बात करें कि पाइपलाइन या ये मेन कनेक्शन यहाँ से है, ये इधर जा रहा है, तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, मिलें, पूछें, ताकि वो हिस्सा उतना बचा के या उसका कोई रास्ता निकले कि नहीं, यहाँ पे हम अगर ऐसा काम करें, ड्रिल करने जा रहे हैं वो, तो हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तो एक दूसरे के साथ मिल के कोऑर्डिनेट करके राय बात से अगर ये काम करेंगे या आगे फ्यूचर के लिए, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सुधा जी, अभी फ़िलहाल जो परेशानी है वो पानी की है, उसको किस तरह से हल किया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पानी आने में और भी वक्त लग सकता है, जो बिगड़ चुका है उसको बनाने में, उसको दुरुस्त करने में और समय जाने वाला है, तो ऐसे में आप लोगों की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, किस तरह से पानी सप्लाई की जाएगी, क्योंकि जो मूल सुविधा होती है वो पानी होती है, तो वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए? नहीं, प्रयास हो रहा है, काफ़ी हो रहा है, जो जितना हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। और हमें लगता है आज एक दिन और अभी प्रॉब्लम है, आज तीसरा दिन है, लेकिन आज भी पानी कोशिश किया जा रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं, हमारे सारे हेड ऑफिस के भी, वहाँ से भी इंजीनियर आए हुए हैं, हाइड्रोलिक इंजीनियर हमारे सभी हैं वहाँ पे, कि किसी तरीके, क्योंकि वो इतना डीप है, वो इतना डीप है कि ऊपर से मिट्टी गिर रही है उसके ऊपर, तो उसमें भी उन लोग को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं रिपेयरिंग करने में, लेकिन आज जहाँ तक संभव है हो जाएगा, तो पानी कल ही आने वाला है, आज तो नहीं आएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुधा सिंह जी थी जिन्होंने बताया कि पानी आज तो फिलहाल नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट है वो करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं, लोगों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या कुछ समस्या है, पानी को लेकर किस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल हम मौजूद है मुंबई स्थित अंधेरी के डोंगर इलाके में, और यहाँ मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि पानी के लिए कितनी परेशानी यहाँ पर हो रही है, लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है। प्रदीप हमारे साथ लगातार मौजूद है,
प्रदीप, आज कहीं ना कहीं ये अहमियत पता चल रही होगी पानी की, कि क्या पानी की असली अहमियत क्या होती है। देखिए सलामत, जिस तरह से हमेशा ये कहा जाता है कि पानी बचाइए, पानी नुकसान मत करिए, लेकिन जिस तरह से तीन दिनों से लोग पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ, ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अंधेरी के डोंगर इलाके में लोग पानी की समस्या से जो है दो चार हो रहे हैं। लगातार बूंद बूंद पानी, कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, लेकिन उसी बूंद पानी के लिए आज लोग कैसे एक दूसरे के साथ लाइन लगाकर खड़े हैं कि किसी तरीके से घर के लिए पानी मिल जाए, क्योंकि तीन दिनों से यहां पर पानी नहीं आया है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं और कई घंटों से लाइन लगाकर किस तरह से लोग हैं यहाँ पर। सलामत, सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो लोगों में बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कितने दिन से आपके यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। तीन दिन हो गए पानी नहीं है, तीन दिन हो गए आज पानी नहीं है। पानी की वजह से हम लोग बिस्लरी वाटर खरीद के, लेकिन बिस्लरी वाटर भी अभी बिस्लरी सप्लाई बंद हो गया है। ये पानी अभी किसी ने मंगाया है, लेकिन इसका कोई भी आयोजन बराबर नहीं है। यहाँ पे जो आयोजक है वो भी बराबर कुछ ये नहीं कर रहे हैं। वो अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो पानी मिलने का कुछ चांसेस है, नहीं तो ऐसे तो पानी मिलना मुश्किल है बहुत। बोला जा रहा है कि पानी और शायद एक दिन और नहीं आएगा, आज शायद नहीं आएगा, तो किस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं? अभी तो कुछ भी तैयारी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो पानी आ रहा है वो पानी भी अभी तक हमको, मतलब जो टैंकर हम लोग मंगा रहे हैं, टैंकर वाले खुद फ़ोन उठाना बंद कर दिए, क्योंकि और सारी बिल्डिंग में बाजू में भी पानी नहीं है, तो पानी टैंकर से भी बहुत कम आ रहा है, तो बहुत ही मुश्किल है कल और पानी आ जाना और बिस्लरी भी मिल जाना, क्योंकि बिस्लरी भी मार्केट से खत्म हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं पानी जो है वो पानी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है। और मुझे लगता है कि ये जो बिस्लरी वाला है वो भी डबल रेट करके बेच रहा है, शायद वो भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल फायदा नहीं। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कितने दिन से परेशानी हो रही है और किस तरह से आज ये जो पानी आया हुआ है इसको किस तरह से बांटने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, चार दिन से परेशानी हो रही है पानी के लिए बराबर। अभी हमारे घर में शादी का फंक्शन, हमारे मेहमान आ रहे, कहाँ जाएंगे? लोग पानी के लिए तरस रहे, बिस्लरी लेने आ रहा है, बिस्लरी वाला डब्बल से टिबल भाव ले रहा है, क्या करेंगे? एक डब्बा 200 रुपये में दे रहा है, गरीब पानी पिएगा क्या, खाना खाएगा? आप बताइए, खाने से ज़्यादा पानी महंगा कर दिया लोगों ने। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनके घर पे शादी है, जिस तरह से बता रहे हैं, हर किसी की समस्या है, हर किसी की अपनी अपनी परेशानी है। उन परेशानियों के बीच जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि पानी नहीं मिल रहा है, पिछले तीन दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर मेहर मोहसिन हैदर जी मौजूद है, जो यहाँ की नगर सेविका है, उनसे बात करते हैं। उन्होंने पानी का आयोजन यहाँ पर लोगों के लिए किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है पिछले तीन दिनों से, पानी की समस्या हो रही है, आपकी ओर से प्रयास किया जा रहा है कि उन तक पानी पहुंचाया जाए, किस तरह से ये कोशिश की जा रही है? इसके ऊपर भी रखना डब्बे, ये मेन जो प्रॉब्लम है ना, बीएमसी की गलती की वजह से उन्होंने मेट्रो वालों को ड्रॉइंग ही गलत दिया। मतलब जिस तरह पाइप था, राइट में पाइप था, उन्होंने बोला राइट में पाइप है, पाइप था लेफ्ट में, तो मेट्रो वाले ने लेफ्ट में खोदा तो पाइप वहाँ निकला, तो पूरे बीएमसी के लापरवाही की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। फिलहाल जिस तरह से कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है आज भी, क्योंकि काम चल रहा है तो पानी नहीं मिल सकता है, ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है, किस तरह से लोगों को मैनेज किया जा रहा है? यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है, जो पानी के भी वो लोग सब हेल्प कर रहे, उन्होंने गार्डन भी, मेरे हस्बैंड ने उनको बोला सब गार्डन खोल दो, केवेस वार्ड का जितने गार्डन है बीएमसी, तो उसकी भी बोरिंग स्टार्ट हो गई है, तो हमारे वार्ड से हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, वार्ड ऑफिसर से भी और जितने पानी के भी जो सपोर्ट मिल रहा है, और पब्लिक भी सब खड़ी है सपोर्ट में। तो मतलब फिलहाल अगर लोगों की बात करें तो जिस तरह से आपने बताया कि कई जगहों के पानी जो है वो खोल दिए गए हैं, लेकिन क्या इससे राहत मिल जाएगी, आपको लगता है कि इससे राहत मिल पाएगी? मतलब 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम पीने का थोड़ा पानी और थोड़ा बहुत कुछ तो होगा, सहारा तो होगा। जी फिलहाल आपसे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पानी की परेशानी हो रही है, किस तरह से परेशानी देख रहे हैं? बहुत परेशानी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, शौहर काम पे नहीं जा पा रहे, घर में खाना पकाने पानी नहीं, मेहर वैदर और मोहसिन भाई की मदद से पीने को पानी, टॉयलेट में वापरने पानी मिल रही है, तो शुक्र है अल्लाह का कि उतना उनके हेल्प से हमारे 66-65 सब वार्ड में भाग रहे, वो कल रात से भाग रहे, मेहनत कर रहे हैं और सबको पानी पहुंचा रहे। जी बिल्कुल, पानी पहुंचाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले तीन दिनों से यहाँ पर ये परेशानी इनको हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, और उस परेशानी को देखते हुए यहाँ पर टैंकर का आयोजन जो है वो किया गया है, टैंकर यहाँ पर मंगाया गया है ताकि लोगों को पानी यहाँ पर मिल सके। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधा चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानी उनको हो रही है और क्या कुछ परेशानी वो लोग झेल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आपको बता दें कि लोग मौजूद हैं और लगातार लोगों की परेशानी जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है? तकलीफ हो रही है भाई, सुनो भाई, इतनी तकलीफ हो रही है पानी की, क्या पूरे पब्लिक पूरे परेशान हो गए,
समझो भाई, अरे क्या कोई कर रहा ही नहीं है, मोदी वाले भाई साहब आए ले, वो बोलते हाँ हो जाएगा बोलते, वो भाई बोलते कि हो जाएगा बोलते, अब कब होएगा, अबे हमारे तो माँ बहन तो आते नहीं है, कभी लोग अंडा उठाए नहीं है, कभी क्या कर सकते हैं बोलो जी। बिल्कुल, लोगों की परेशानी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पानी को लेकर लगातार प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि जो हालांकि पूरी तरीके से तो इसको हल नहीं किया जा सकता है फिलहाल, लेकिन कुछ मदद की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व नगर सेवक जो है मोहसिन हैदर जी, वो यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पानी मिल सके। उनसे वो जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस मामले को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। मोहसिन जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पानी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हो गई है मुंबई में, अंधेरी में खास तौर पर, किस तरह से उसके हल करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, आपको पता है कि हुआ क्या है, मेट्रो की तरफ से जो डैमेज हुआ है, अब मेट्रो का कहना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हमने गलत प्लान दिया है, कॉरपोरेशन का कहना मेट्रो ने किया है, इससे आप देख रहे हो कि जो सामान्य लोग है वो कितनी तकलीफ कितनी परेशानी में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हमेशा एक अलग प्लान रेडी रखनी चाहिए, कभी ए फेल हो तब भी, ऐसे हालात का कॉरपोरेशन को किसी भी तरह से लोगों तक पानी पहुँचाए। लेकिन तकलीफ ये थी कि कल तक ये बात कही गई थी कि भाई आज ठीक हो जाएगा, आज से पानी आ जाएगा, लेकिन रात में फिर बात कही गई कि भाई आज ठीक नहीं हुआ। तो रात में परेशान हो कि हम लोग निकले, हमारे साथी लोग निकले जितने हो सके, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बहुत ज़्यादा टैंकर्स नहीं है, जो प्राइवेट टैंकर्स है उनको लगा कि यही मौका है, 10-10 हज़ार रुपये एक एक टैंकर का शुरू कर दिया उन्होंने बिल्डिंगों में, और इस तरह के बड़े बड़े जहाँ पर आलीशान बंगले है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, वहाँ पर जो 10-10 हज़ार में एक 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 बिजनेस कारोबार शुरू हो गया। तो ऐसे में गरीब तबके तक, मोहल्ले तक कोई आने को तैयार नहीं, झोपड़ा पट्टी में कोई आने को तैयार नहीं, उसके बावजूद भी रात से लेकर अभी तक 6-7 टैंकर्स हमने जहाँ जहाँ प्रोवाइड कर सकते वहाँ प्रोवाइड किए। जितने बोरिंग हमने खुदवाए थे पहले, वो तमाम बोरिंग जो थोड़ा भर रिपेयर वगैरह करके वो शुरू कर दिए। जितने गार्डन्स में बोरिंग्स हैं हमारे यहाँ भी शुरू किया, असिस्टेंट कमिश्नर से कहने के बाद एंटायर के वेस्ट वार्ड में वहाँ पर भी नॉन पोर्टेबल पानी है दूसरे इस्तेमाल के लिए, वहाँ भी शुरू किया है। लेकिन ये है कि आज दावे के साथ हम ये नहीं कह सकते कि कब शुरू होगा, क्योंकि पहले जो वादे किए थे उन्होंने कल तक ठीक होने का, तो नहीं हुआ, तो अब हमसे लोग पूछते हैं तो हम लोग दावे के साथ कह नहीं सकते आज होगा ही। कोशिश ये है कि आज हो, जल्दी हो और ये मसला ख़त्म हो। लोग परेशान हैं, नफ़्सी का दौर है, भाग रहे यहाँ वहाँ सब, ये तकलीफें दूर और कम से कम कैसी तकलीफ हो इसकी हमने कोशिश की। उसके बावजूद भी मेरा कहना है कि आज भी सिर्फ 25-30% यश मिला होगा, बाकी 75% लोग आज भी परेशान है, ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या आला अधिकारियों से आपकी बात हुई, इंजीनियर से बात हुई, क्या कह रहे हैं वो लोग, कब तक ये मामला हल हो जाएगा या कब तक ये जो पाइप जो फटा हुआ है वो कब तक ठीक हो जाएगा? देखिए, उनका कहना यही रहता है कि आज शाम तक ठीक हो जाएगा, कल भी यही बात कही उन्होंने, आज भी यही बात कह रही है, यही बात वो लोग कह रहे हैं आज भी। तो अब उनकी बातों पर ज़्यादा ठीक है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, वो कहाँ तक आज अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कहीं ना कहीं हमें अपना हाथ पैर मारना चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ जहाँ पर कुछ ना कुछ पीने भर के पानी घर पहुँचे, हाथ मुँह धोने भर के घर पहुँचे, इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए। कुछ अफवाहें भी यहाँ पर बाजार में फैल रही है, ये कहा जा रहा है कि शायद पानी मंडे तक आएगा, ऐसे में क्या बयान आपकी ओर से होगा लोगों को राहत देने? देखिए, ये मैं टेक्निकल पर्सन तो हूँ नहीं, ना इंजीनियर हूँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई वो इंजीनियर लोग ठीक करे। बार बार दबाव हम लोग डालते प्रशासन को कि जल्दी ठीक होना चाहिए, लोग परेशान हैं, और उतने वक्त में हम लोग कहीं ना कहीं पोर्टेबल और नॉन पोर्टेबल वाटर कैसे प्रोवाइड किया सकता है। फिर भी मैंने कहा कि 25-30% के ऊपर कर ही नहीं पा रहे हैं इतने पॉपुलेशन में, लेकिन उसकी हमारी कोशिश चालू और ये रहेगा। अगर मंडे तक खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो और ज़्यादा तेज़ी से हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देखनी चाहिए, ये जो महंगे महंगे जो टेंगर का जो कारोबार हो गया है, जो जिनको हज़ारों 10-10 हज़ार रुपये में इन सौदा शुरू कर दिया इन्होंने, बड़े बड़े बंगलों में और ये तमाम जगह पे ये लोग बेच रहे हैं, जहाँ झुग्गी झोपड़े हैं, जहाँ गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ इनकी गाड़ी आ नहीं रही, यानी प्राइवेट गाड़ी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी नहीं है। कॉरपोरेशन को चाहिए जितना हो सके प्राइवेट गाड़ी अपने पास ले, रेंट पे ले, और सप्लाई अपनी तरह से करे और इक्वल सप्लाई करे सब तक, ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, तो फिलहाल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी यहाँ पर बन रही है कि लोगों को पानी जो है वो मुहैया कराया जाए। लोगों को परेशानी यहाँ पर हो रही है, आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परेशानी हो रही है। जी क्या कहना चाहिए? 3 दिन होगा, 3 दिन से परेशान है पब्लिक, इतनी परेशान है, एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे ले। ए मोहसिन भाई ने सब टैंकर मंगाए और पब्लिक को दे रहे ले।
कोई नेता इधर आता नहीं है, कोई किसी का ख्याल देता नहीं है, खाली वोट मांगने के लिए बराबर आते। मुस्लिम भाई के पास जाओ, बराबर काम करते। पब्लिक तो यहाँ पर आपको बता दें कि पानी की वजह से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इसमें काला कारोबार भी हो रहा है, जिस तरह से मोहसिन हैदर ने बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि किस तरह से पानियों का काला कारोबार जो है वो शुरू हो चुका है, 10,000 से लेकर और भी महंगे कीमत में जो है पानी के प्राइवेट टैंकर्स को मंगाया जा रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानियां काफ़ी बढ़ रही है। आपको बता दें कि जो लोकल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए पानी जमा करना बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है। ऐसे में ये कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हैं, जो स्थायी लोग हैं, उनको किस तरह से पानी पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग लगातार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। तीन दिन से पानी नहीं है। आज मोहसिन भाई ने टैंकर मंगाए, मोर कोई नेता झांकने के लिए नहीं आया, वोट मांगने के लिए बराबर आएंगे कि हमको वोट दो, मोर पब्लिक में ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसा नेता लोग का काम रहता है, पब्लिक में भी ध्यान देना चाहिए ना। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। पानी नहीं आ रहा है पिछले 3 दिनों से, क्या कहना? हाँ भाई, पानी की बहुत तकलीफ है भाई, क्या कहेंगे, बोलो गरीब कैसे जिएगा, बोलो बिना पानी का बाल बच्चे देखे कैसे रहेंगे, नमाज कैसे पढ़ना, वजू कैसे पढ़ना, ना बताओ भाई। ये तो सब यहाँ पैसे ही आ गए भाई, कहाँ कहाँ से पानी लाए, काम धंधे छोड़ना, पानी के लिए जाना, ये बहुत मगजमारी हो गई भाई। आप ही सब इसका कुछ कर सकते, मसला हल, हम क्या कर सकते बताओ, हम लोग कितना करेंगे, बोलो बोल बोल के कंचाएगा, पानी आता नहीं, पानी मिलता नहीं, लंबा लंबा जाओ, बच्चे छोड़ो, ये छोड़ो, सब छोड़ गए, यहाँ 3 दिन से पानी नहीं आया, बोलते पैर फट गया, पैर फट गया, पैर फट गया, हम लोग परेशान है पानी के लिए, बोलो क्या करना पड़ेगा। ये बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी जो ये मेट्रो का काम चल रहा है और इतनी बड़ी जो लापरवाही होगी हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन, जो उनके जो भी करने से, इसका जिम्मेदार कौन बोल सकता है? कोई अंबानी को कोई बोल सकता है? कोई पूछ सकता है उनसे जाके कि तुम्हारे काम की वजह से वो पाइप टूट गया और लोगों को इतनी परेशानी हुई? हो सकता है, पॉसिबल? बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जो परेशानी हालांकि अब तो हो चुकी है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो आम व्यक्ति है उसको परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि पानी के टैंकर्स जो है वो करीब 10,000 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी काला कारोबार भी एक तरीके से शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आम व्यक्ति को किस तरह से पानी मिले? आम व्यक्ति को देखो, ये अब जैसे कोई टैंकर मंगा के, मोहसिन भाई ने टैंकर मंगाया, ऐसा कुछ हो सकता है। और बाकी आप तो देख रहे हो, अगर आज काम हो गया तो कल पानी लोगों को मिल जाएगा, अगर आज भी नहीं हुआ तो कल क्या करेंगे लोग? जिस तरह से एक अफवाह भी उड़ रही है, अफवाह में ये बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है मंडे तक पानी आएगा, ऐसे में लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी? लोगों को यही राहत मिलेगी कि जैसे टैंकर आ जाए और अपने जो भी अपने लोग हैं वो टैंकर मंगा ले, या पर्सनल मंगाए, या मोहसिन भाई अदर जैसे, या कोई और मंगा के ऐसा कर दे, तो हो सकती है प्रॉब्लम। बिल्कुल, आप मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। हालांकि टैंकर एक ही आया हुआ है और उस टैंकर से तमाम लोगों को पानी पहुँचाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मैं मेरे कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम लोगों को कैमरे में कैप्चर करें जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ये वो लोग हैं जो पानी के लिए यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर पानी के लिए आए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि BMC का एक टैंकर यहाँ पर आया हुआ है। इस लाइन में, इस भीड़ में आप देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो अपने घर में पानी ले जाने के लिए यहां पर मौजूद हुए हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग यहां पर मौजूद है। हम कुछ बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से परेशानी उनको हो रही है, क्या कहना चाहेंगे। 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, स्कूल गए थे नहाने के? हाँ, गए थे ना स्कूल। स्कूल में भी पानी नहीं आ रहे, 2-3 बच्चे आए थे अंडे लेके स्कूल में, क्या कहेंगे? कुछ नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चे भी त्रस्त है पानी के लिए, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। सर, नहीं नहीं, बस कुछ नहीं बोलना। क्या, किस तरह से परेशानी हो रही है? पानी मिल गया आपको? पानी नहीं है। कितने दिन से पानी नहीं मिला? पानी नहीं है हमारे को, पानी नहीं है भाई। पानी की देखिए, यहाँ तक पहुँचे है, जितना जल्दी होगा तो अच्छा है। पानी हमारी परेशानी बहुत सारी पानी की, आप जरा जल्द से जल्द जल्दी कर दिए। फिलहाल आपको लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ है और एक टैंकर से सबको आराम मिल जाएगा? ऐसा तो लगता नहीं, और एक टैंकर का इंतजाम करना पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल, टैंकर का इंतजाम और यहाँ पर करना पड़ेगा ताकि लोगों को जो है वो राहत मिल सके। पानी सबसे बड़ी समस्या आज यहाँ पर बनी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरह से मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो के काम की वजह से जो गलत
मैप की वजह से बताया जा रहा है कि जो मैप वहां पर दिया गया था और खोदने के वक्त में जो पानी का जो पाइपलाइन है उसमें कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया गया, जिसकी वजह से यहां पर लीकेज हो गई है और लोगों को पानी की समस्या जो है वो झेलनी पड़ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पानी के लिए लगातार लोग जो है वो मौजूद हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को पानी जो है वो मुहैया कराए ताकि लोगों को जो है थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर मिल सके। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे अनिल सलामत अली और साथ ही साथ मेरे सहयोगी प्रदीप शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।